इस वीडियो को बनाने का मुख्य कारण है ये तीन महत्वपूर्ण सवाल। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, ये भारत का संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था, तो इसे दो महीने बाद एग्जैक्ट 26 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्या पूर्ण स्वतंत्रता स्वराज का इसमें कोई हाथ है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि अगर भारत इस 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के तौर पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को बुलाना चाहता था तो उसने ये डिसीजन क्यों बदला? क्या क्वाड समिट से इसका कुछ लेना देना है या बात कुछ और ही है? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि 26 जनवरी को हमेशा राष्ट्रपति ही राजपथ से क्यों झंडा फहराते हैं और इसी प्रकार 15 अगस्त को हमेशा प्रधानमंत्री ही लाल किले से क्यों ध्वजारोहण करते हैं? आखिर मैंने यहाँ दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? क्या झंडा फहराना और ध्वजारोहण दोनों अलग अलग चीजें हैं? नमस्कार दोस्तों, प्रत्येक वर्ष भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। लोगों में अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्यार और श्रद्धा देखने को मिलती है। देश के कोने कोने में शौर्य और ताकत का प्रदर्शन होता है, और वो भी क्यों ना। इस झंडे पर भारत माँ के अनगिनत बच्चों ने हंसते मुस्कुराते जान कुर्बान कर दी कि याद करो उस झांकी को जिस झांकी में तीन जवान थे, अरे याद करो उन चेहरों को जिन पर ना कोई शिकन थी, चेहरे पर जिनके तेज और मूंछों पर था बल, यूं ही नहीं कहता जमाना उन्हें, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह का दल। बात भारत देश की हो रही हो और इनका जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए आपको इस दिन के खूबसूरत पहलू से मिलवाएं। इस दिन भारत के सभी विद्यालय धूमधाम से झंडा फहराते हैं। छोटे छोटे बच्चे उस तिरंगे के सामने छोटी छोटी कतारों में खड़े होकर भारत का राष्ट्रगान गाते हैं। सभी एक साथ भारत के तिरंगे को सैल्यूट करते हैं। वो सभी बच्चे उस देश प्रेम को सैल्यूट करते हैं जिस पर वीर जवान हंस कर न्योछावर होना चाहता है। भारत का हर जवान बेसब्री से उस दिन का इंतजार करता है जब उसका शरीर तिरंगे से लिपटा होगा और वो अपनी भारत माँ की गोद में जी भर के सोएगा। अब भारत के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि भारत तो भारत ही है। यहाँ किस्से कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती, पर चाहे वो भारत का इतिहास हो या वर्तमान, सब कुछ इसके आने वाले कल की तरह सुनहरा है। 26 जनवरी 2024 ये वो दिन होगा जिस दिन सभी बच्चे सुबह सुबह अपने सर पर तिरंगे वाली टोपी, अपने हाथों की कलाइयों में वो तिरंगे वाला बैंड, अपनी शर्ट की जेब पर एक तिरंगे वाला बैच लगाकर हंसते खिलखिलाते हुए स्कूल जाएंगे, जहां अध्यापक उन्हें ये बताएंगे कि क्यों 26 जनवरी को भारत रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। उन सभी अबोध बच्चों को ये बताएंगे कि क्या अंतर होता है इंडिपेंडेंस डे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे और रिपब्लिक डे में। उन्हें ये बताएंगे कि कैसे भारत के एक ही व्यक्ति ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लिख दिया। जिनके सम्मान और व्यक्तित्व का व्याख्यान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं, वो महान व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर है, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिनों में पूरा भारतीय संविधान लिख दिया। इस वीडियो को बनाने का मुख्य कारण है ये तीन महत्वपूर्ण सवाल। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, ये भारत का संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था, तो इसे दो महीने बाद एग्जैक्ट 26 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्या पूर्ण स्वतंत्रता स्वराज का इसमें कोई हाथ है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि अगर भारत इस 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के तौर पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को बुलाना चाहता था तो उसने ये डिसीजन क्यों बदला? क्या क्वाड समिट से इसका कुछ लेना देना है? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि 26 जनवरी को हमेशा राष्ट्रपति ही राजपथ से क्यों झंडा फहराते हैं और इसी प्रकार 15 अगस्त को हमेशा प्रधानमंत्री ही लाल किले से क्यों ध्वजारोहण करते हैं? आखिर मैंने यहाँ दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? क्या झंडा फहराना और ध्वजारोहण दोनों अलग अलग चीजें हैं? आइए देखते हैं पहले सवाल का जवाब। 15 अगस्त 1947, वो दिन जब हम अंग्रेजों के कानून से पूर्ण रूप से मुक्त थे। भारत को आजादी तो मिल गई थी, मगर भारत के पास कोई संविधान नहीं था। प्रजा को एक सिरे से बांधने वाला प्रजातंत्र और प्रजा जिसे माने वो मूल मंत्र अभी तक भारत के पास नहीं था। आने वाले करीब 2.5 सालों तक भारत ब्रिटिश मोनार्क के अंडर ही था। ब्रिटिश यहाँ तब तक मौजूद थे जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर इंडिया लागू ना हो जाए। आखिरकार हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 वो दिन था जब संविधान अपनाया जा चुका था, मगर उस दिन इसे लागू नहीं किया गया। इसे उस दिन लागू ना करने की एक बड़ी वजह थी अगले दो महीने बाद आ रही थी 26 जनवरी, और ये दिन भारत की संपूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू ऑफिशियली पूरे भारत में ये अनाउंस हो चुका था कि अब
यानी 26 जनवरी 1930 से भारत अपनी टोटल इंडिपेंडेंसी को इसी दिन सेलिब्रेट करेगा। इतिहास में इस दिन को यादगार और क्रांति वीरों की प्रतिज्ञा को मान देने के लिए संविधान को 26 नवंबर को न लागू करके 26 जनवरी को लागू किया गया और तब से भारत एक रिपब्लिक है। चलिए दूसरे सवाल के जवाब की ओर रुख करते हैं। आखिर क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत आने से किया इनकार? कौन होगा इस बार रिपब्लिक डे पर भारत में चीफ गेस्ट? क्या इन सब के पीछे जापान का हाथ है? क्या क्वाड मीटिंग का इससे कोई लेना देना है या फिर ये सब कुछ पुलिस की हत्या का एक नतीजा है? बातें बहुत सी हैं, मगर सच क्या है वो हम आपको बताएंगे। अमेरिका की तरफ से इस मामले में कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया। उनका कहना है कि अमेरिका में इलेक्शन की वजह से वो भारत में लगातार दो बार नहीं आ पाएंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल क्वाड समिट नाम से एक मीटिंग होती है जिसके अंडर चार देश आते हैं, अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हर साल इनके बीच ये समिट होता है। लास्ट समिट 2023 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और अगला समिट 2024 में भारत में होने वाला है, जिस कारण अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो बाइडेन समेत बाकी सभी लोग समिट के साथ भारत के रिपब्लिक डे पर भी मौजूद होंगे और इसी बीच भारत बाइडेन को चीफ गेस्ट की तरह ट्रीट करेगा। मगर वर्तमान परिस्थिति में क्वाड समिट की डेट को रीशेड्यूल कर दिया गया है, फिलहाल के लिए इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन इसमें जापान का नाम भी आया है। बताया जा रहा है कि समिट की डेट से उन्हें कुछ इश्यूज थे, इसलिए इसे रीशेड्यूल किया जा रहा है। क्योंकि सभी को पता है कि भारत में भी 2024 के चुनाव की वजह से पीएम मोदी बहुत बिजी रहेंगे और अगर पीएम इसे मैनेज कर सकते हैं तो शायद अमेरिका के जो बाइडेन को भी एक से दो दिन का समय देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इन दिनों एक और बात बहुत तेजी से फैल रही है कि शायद अमेरिका में मारे जाने वाले गुरवंत सिंह पन्नून, जो कि एक अपराधी थे, उन्हें भारत ने शार्प शूटर्स को भेजकर मरवा दिया। ये बताना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मगर फिर भी मैंने आपको बताया क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर इस खबर को बार बार उठाया गया। अगर आप गुरवंत सिंह पन्नून को डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। हालांकि ये भी एक वजह कही जा रही है कि बाइडेन के भारत न आने की। बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। क्यों प्रधानमंत्री ही 15 अगस्त को लाल किले से ध्वजारोहण करते हैं और क्यों राष्ट्रपति ही 26 जनवरी को राजपथ से झंडा फहराते हैं, और आखिर ध्वजारोहण में और झंडा फहराने में क्या अंतर होता है? 15 अगस्त 1947, भारत को आज़ादी मिली और उस समय भारत के मुखिया प्रधानमंत्री नेहरू थे, जिसके चलते उन्होंने ही लाल किले से ध्वजारोहण किया था। इसी कारण हर साल भारत में इसी परंपरा के चलते प्रधानमंत्री ही लाल किले से ध्वजारोहण करते हैं। वहीं 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले चुके थे, जिस वजह से अब वो संवैधानिक प्रमुख भी थे। इसलिए हर साल 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति ही राजपथ पर झंडा फहराते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई डिमांड हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी अरब पर।